वाइस यूएसए की फेडरल बैंक, यानी कि जिस तरह से भारत की बैंक आरबीआई है उसी तरह से यूएसए की बैंक फेडरल बैंक है। अभी उसने, अभी जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने ये कहा था कि मार्च 2022 से हम बैंक दर यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। इतना कहते ही भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। अभी हम ये समझेंगे, एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो विश्व को जुकाम हो जाता है। इस कहावत ये क्यों कही जाती है हम ये भी समझेंगे। आपको पता है कि जैसे जैसे देश बड़ा होता है उसमें इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, वो अब उसे इंटरेस्ट से पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। जैसे जापान से अभी हमने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 0.01% पर कर्जा लिया है। ठीक है, वैसे ही अमेरिका के लोग क्या करते हैं, अमेरिका की बैंक, आपको पता है कोरोना काल में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई थी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था कि भारत में भी बैंक ने कम रेट पर क्या किया था कि पैसा बांटा था लोगों को कि ये मतलब अपना अपना काम चलाओ, कोई बिजनेस कर रहा है उसे करो, जैसा भी है किया था। ठीक है, वैसे ही विदेशों में भी किया था। तो जो यूएसए की बैंक है उस, वो क्या करती है, बहुत कम रेट पर पैसा देती है। तो विदेशी क्या करते हैं, भारत में आकर के उसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं भारत के शेयर मार्केट में। ठीक है, तो विदेशी भारत में यानी कि किसी भी देश में जो विदेशी हैं वो दो तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एफडीआई के माध्यम से, एक एफपीआई के माध्यम से। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई है वो, यानी वो तो डायरेक्ट होता है, और कैसे होता है, यानी कि भारत में आपको लैंड खरीदनी है वो खरीद सकते हैं, कोई कंपनी खरीदनी है, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह से होता है एफडीआई। तो एफपीआई होता है यानी कि शेयर मार्केट में आपको शेयर खरीदने हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो यूएसए के लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ की फेडरल बैंक से तो पैसा ले लेंगे और भारत में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सस्ते दाम पर पैसा मिल जाएगा वहाँ से लोन, और यहाँ पर वो इसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ के जो मार्केट है उसे वो ऊँचा उठा देते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भारत में मतलब सभी जगह ही पैसे की कितनी किल्लत थी, लेकिन भारत का शेयर मार्केट अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर था। ठीक है, तो इसी तरह से इसीलिए था कि वहाँ की फेडरल बैंक ने लोगों को पैसा बांटा कि जितना लेना है आप ले जाओ, और कम रेट पर वहाँ से उठा लिया और भारत में उसे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि उस, इतना कहते ही अब क्या होगा, लोगों को ये टेंशन हो गई कि अब आरबीआई वहाँ की जो फेडरल बैंक है वो ब्याज दर को बढ़ाने वाली है, यानी कि उसने 2% पर ब्याज दी थी, मान के चलो अब वो 4% कर देगी। तो हो सकता है कि मतलब लोगों को लेने के देने पड़ जाए। इस वजह से क्या है, लोगों ने भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया। ठीक है, इस वजह से भारत का जो मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया। ठीक है, अब हम समझेंगे, अब भारत में कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों को पैसा बांटा था कि आप पैसा ले जाओ, कोई कोई भी बिजनेस खोलो, जो भी करो। तो इससे क्या हुआ था कि आरबीआई ने बहुत सस्ते दर पर भारत में भी लोन दिए थे। आपको पता है कि कितनी सारी योजनाएं लाई थी, 20,000 करोड़ की, 20 लाख करोड़ की, उस पीएम ने भी निकाली थी। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उसे, यानी कि आपके पास पैसा है, आपको खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप दो चार चीज़ें तो खरीद ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, फिर क्या हुआ, उससे महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो विश्व में भी देखा जाए ना, यूएस में 40 8 साल में 40% ज़्यादा महंगाई हो गई, यानी कि 8 सालों में इस साल है वो 40% महंगाई ज़्यादा है, और भारत में भी महंगाई है। तो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कोरोना काल में सरकार ने लोगों को पैसा बांटा, आरबीआई ने पैसा बांटा, जिससे लोगों के पास पैसा आया और वो मार्केट में ले गए उसे खर्च करने। तो जितने की मतलब आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, अगर आप मोल भाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जितने का वो बोल देगा दुकानदार उतने का ही आपको लेना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंच गया, महंगाई ज़्यादा हो गई। इस वजह से क्या हुआ है कि अब इसे कंट्रोल भी करना है, जब महंगाई ज़्यादा हो जाएगी और आपूर्ति नहीं हो पाएगी सामान की, तो ये तो इससे मार्केट बिगड़ जाएगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि सरकार ने जो लोन बांटा था अब उसे वो वापस लेगी आरबीआई। ठीक है, क्या हमने इतना आपको लोन दिया था, अब उसे वापस करो। तो इससे क्या होगा कि मार्केट कंट्रोल होगा, और इसे ही मॉनिटरी पॉलिसी बोला जाता है, यानी कि आरबीआई द्वारा, यानी कि फेडरल बैंक द्वारा, यूएसए की फेडरल बैंक है, इनके द्वारा इस पैसे को यानी कि मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से इसी को क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, धन्यवाद।